दोस्तों हम देखेंगे YouTube के लिए थंबनेल बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके पिक्सलैब डाउनलोड करेंगे। मेरा डाउनलोड हो गया तो मेरा डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ऐसा फिर हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा, हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसा भी हो। तो हम ये वाला लेते हैं, इसमें टेक्स्ट करते हैं। हमको क्या बनाना है, यहाँ पे जाके ये हमको न्यू टेक्स्ट में हमको करना है, सर्च करना है हाउ टू, फिर इसको ओके कर देना है। एक टेक्स्ट हो गया अपने को, फिर दूसरा टेक्स्ट लेना है, उसमें हमको लिखना है मैक, फिर ओके कर देना है। इसको स्लाइड करके ले आना इधर, फिर हमको तीसरा टेक्स्ट लेना है, उस पर लिखना है हमको यूट्यूब, फिर सर्च कर देना है, उसको भी हमको स्लाइड करके इधर लाना है। फिर नया टेक्स्ट लिखेंगे थंबनेल, ओके दोस्तों ये थंबनेल। ठीक है दोस्तों, हमको फिर इसको एडिट करना है, तो हमारे पास ये स्टाइल्स है सिंपल, एडिट कर सकते हैं हम इसको। फिर से कुछ लिखना है तो हम इसमें जाएंगे आगे तो देखेंगे, इसमें हम बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, हम फॉन्ट्स के हिसाब से फॉन्ट वो कर सकते हैं। इसको बोल्ड स्टाइल में, इरेटिक स्टाइल में कर सकते हैं, बैकग्राउंड डाल सकते हैं कोई भी कलर का। देन हम इसमें स्टॉप कर सकते हैं, इनेबल शो कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट कर लो इसको, और ये उसके बाद हम इसमें दोस्तों इमेज डालेंगे। उसके लिए हमको एक कलर है बैकग्राउंड कलर, पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें अगर इमेज डालना चाहेंगे गैलरी में जाएंगे तो इसको हमको क्रॉप कर देना है, क्रॉप हो गया, ये देखो हमारे गैलरी में। अगर इसमें हमको और ऐड करना है तो हम इस प्लस वाले पे जाएंगे फ्रॉम गैलरी, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का डाल देता हूँ, ये देखो दोस्तों। दरअसल मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा वो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे इंस्टाग्राम का मैंने डाल दिया, ऐसे ही आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा, इसको सेव करने के लिए सबसे पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज पे जाना है, फिर कस्टम पे जाके आपको यूट्यूब थंबनेल में जाके उसको ओके कर देना है। फिर दोस्तों ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये सेव का ऑप्शन है, सेव एज इमेज कर देना है, अपना सेव टू गैलरी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे बना। ये जो हमने YouTube थंबनेल बनाया है वह है धन्यवाद।